हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का फुल मज़ा ले रहे होंगे। हम भी निकले हैं थोड़ा बाहर, कुछ ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसीलिए हम निकले हैं, वरना ऐसे नहीं निकलते। और पिछले 3 दिनों से प्लान बन रहा था, जब चलने को तो ये होता था भाई थोड़ा आराम कर लें फिर चलते हैं शाम को। शाम को होता था अरे कल चलते हैं, कल सुबह होता था अरे शाम को चलेंगे। तो देखो, एक हाथ में स्टीयरिंग है, एक हाथ में जो है कैमरा है। एक काम करो, मैं क्लच दबा रहा हूँ, मुझे गियर चेंज करना। कौन सा चेंज करो? करो गियर चेंज करो, लगाओ तीसरे में। तुम तो गाड़ी चलाना आता था ना तुम्हें? मैं कहाँ सीखी। बीच में करो, बीच में। हाँ, राइट मारो। वाह, चौथा गियर लगा दिया। रो पकड़ो पकड़ो, जरूरी काम, बहुत जरूरी काम है दोस्तों। और काम ये है बकचोदी, ये कोई काम नहीं है हमें। हम निकले हैं सड़क का जरा हाल चाल लेने के लिए, क्या हो रहा है शहर में, क्या सीन है, क्या चल रहा है। गाइस, महीने भर से ज्यादा हो गया चिकन खाए हुए, तड़पड़ाहट और बेचैनी हो रही है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कहीं 24/7 या जैसे कुछ जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं कहीं वही मिल जाए, पैकेट वाले फ्रोजन फूड्स होते हैं वही, उसी में कुछ चिकन मिल जाए, लेकिन साला वो भी नहीं मिल रहा है। बड़ी मुसीबत हो गई है। गाइस, हम लोगों ने सोचा है कि अगर इधर कोई जाते वक्त पूछेगा तो हम बताएंगे डॉक्टर पास जा रहे हैं कहाँ। अरे वो इमामबाड़ा के आगे जो बैठते हैं हकीम साहब, वहाँ जा रहे हैं। गाइस एक्चुअली क्या, जो मेन रोड है वो अली है, उसको बंद कर रखा है उधर। पीछे वो देख सकते हैं क्लॉक टावर है और सनसेट देखिए, मतलब क्या बेहतरीन इस वक्त व्यू आ रहा है सनसेट का। लखनऊ के मतलब घूमने का मजा ही एक अलग आता है, बहुत ही बेहतरीन। ये है लखनऊ का घंटाघर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इस वक्त चौक, डोमिनोज वगैरह सब बंद है। ऐसे लग रहा कि दूर कहीं पहाड़ी पे जो है बर्फ पड़ी है। अगर वाकई में पहाड़ होता ना मैं पहुंच जाता अभी। लोग गई अपनी दवा लेने के लिए, अब देखते हैं कि मिलती है नहीं मिलती है। पहले पीछे वाली दुकान पे गई थी, अब इधर घूम रही हैं। और ये है चौक का चौराहा, देखिए आप मेरे पीछे सारी मार्केट बंद, सन्नाटा। इस वक्त हम खड़े हैं KGMC वाले चौराहे पे, तो डब्ल्यू एक और मेडिकल स्टोर पर ट्राई करने गई हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी दवा मिली नहीं रही है। और दोस्तों ये देखिए सैनिटाइजर, मतलब जो जितना लूट सकता है वो उतना लूट रहा है। ये 200 ml है और इसके ऊपर प्रिंटेड है 100 rupees और दिया है 60 rupees, जबकि मार्केट में जो सैनिटाइजर मिल रहा है वो कोई 180 MRP है, कोई 160 MRP है, वो भी कितना 100 ml, 100 ml 180 rupees दे रहा है, 160 का दे रहा है, 200 का दे रहा है, मतलब जितना मन करे उतने का माल बिक रहा है। मास्क लगाने का फायदा क्या हुआ? अरे उसको समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरे आदमी से जो है मास्क उतार के बात करोगी। सोचे तो रूमी दरवाजा पे चल के कुछ पिक्स वगैरह खिंचवाएंगे, लेकिन पुलिस वालों ने उधर जाने ही नहीं दिया हमें। गाइस ये राइट में देखिए है बारादरी, गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी और तनु वेड्स मनु की भी हुई है। इसका सफेद बारादरी नाम रख दिया गया है। तरुण अरे पानी पीना है। गाइस हम लोग आ गए हैं लाल बाग में और ये बेसिकली लखनऊ का करोल बाग है। बाइक का पूरा काम, पुरानी बाइकें सब मिलती हैं यहाँ पर। One eternity later. Good morning guys, आज है next day और आज भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। एक महीने से ज्यादा हो चुका है हम लोग को घर में रहते हुए यहाँ पर। चलते हैं पहले गमले में कुछ पानी डाल दिया जाए, क्योंकि कल ही पानी पड़ा नहीं था, डाल दिए। और यहाँ पे एक यंत्र है, इसी को हम यूज करेंगे। इसके अंदर पहले प्रेशर करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको जो है एडजस्ट किया जा सकता है। तो पानी दिया जा चुका है, तो हम थोड़ा सा पत्ते ग्रीन कर देते हैं। मैंने दिल्ली में इसको सोचा था कभी खरीदने के लिए, लेकिन कभी मौका मिला नहीं। मैंने उस दिन जब नर्सरी में इसको देखा तो मैंने कहा बस लपक लो तुरंत। चलते हैं जरा छत पे भी देखते हैं क्या हाल है वहाँ पे। काफ़ी तेज धूप हो चुकी है, बॉल है अपने पास लेकिन खेलने वाला कोई नहीं। परसों जब से बारिश हुई तब से थोड़ी सी राहत हो गई है और 3-4 degrees टेम्परेचर कम हो गया है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी। तो अपने पेड़ के जो आम हैं ये बड़े हुए हैं, जितने बड़े हुए वाओ। तो बंदर लोगों से बचे तब तो ये सब खाने को मिले। यहाँ और लटके हुए थे जो कि तोड़ दिया है उन लोगों ने लॉकडाउन के बाद ना, मतलब ऐसा हो गया है एकदम रिलैक्स लाइफ, एकदम रिलैक्स हो गई है, सुकून। कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से उठो, नाश्ता करो, घूमो टहलो और टाइम पास करो। वरना पहले ऐसे होता था, अरे 9 बज गए, अरे 10 बज गए, चलो 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 भागो 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 भागो। इस लॉकडाउन ने हमें कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन ये ज़रूर सिखाया कि लाइफ को जीने की जो ज़रूरत है ना वो कितनी लिमिटेड है। सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए आपको और कुछ भी नहीं, बाकी सब जो है वेस्ट ऑफ मनी है, जो शोबाजी होती है हमारी, जो पैसा खर्च करते हैं, फूकते हैं, पब पार्टी, सब वेस्ट ऑफ मनी। देखिए जो हमारे यहाँ बंदर आते हैं, उन्होंने हमारा ये जो डिश एंटीना है इसकी तार निकाल दी थी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए गाइस,
क्या हालत कर दिया है। ओह माय गॉड गाइस, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जहाँ पे सनलाइट और धूप नहीं मिल पाती है। तो आप लोग अपने छत पे या कहीं भी जहाँ भी धूप आ रही है आप जरूर निकलिए, क्योंकि 15-20 मिनट आधे घंटे की धूप आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पागल हो जा रहा हूँ मैं। तब तक के लिए आप इंजॉय करो ये जंपिंग लैप्स। हाँ, तो ये जो 3 सेकंड का आप लोगों ने जंपिंग लैप्स देखा, इसको बनाने में कम से कम 20 मिनट लग गए। और डब्लू क्या हाल है? बढ़िया। क्या बन रहा है? लौकी की सब्जी। हाँ, गट्टे की सब्जी। किधर सब्जियाँ बन रही हैं? और चावल और रोटी। आज चाउमीन बन उठे शाम को, क्यों ले आओ। ये तो दोस्तों आज को शाम को बनेगी चाउमीन। नाक के बाल काफी बड़े हो गए। कहीं के बाल बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाक का बाल नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं जिनके नाक से बाल निकल रहे होते हैं वैसे बाहर, इतना गंदा लगता है ना देख करके। अरे यार, और ये रही अपनी फटफटिया, वाह बड़ी चमक रही है भाई। जब से मैंने लिया है ना, इतनी साफ कभी भी नहीं रही आज तक। तब क्या बना रही हो? चटनी धनिया वाली। जब से हम लोग लखनऊ आए हैं इतनी चटनी बन रही हरी वाली, पूछिए मत। डेली हरी सब्जियों का फुल मौज लिया जा रहा है यहाँ पर। गाइस इतना काम कर लिया सुबह से और अभी तक सिर्फ 10 बज रहे हैं, सिर्फ 10। तो गाइस अभी उठे हैं सो करके और ऐसी मतलब भयंकर नींद आ रही है ना, 3 बजे सोए हैं और अभी 5:30 बजे उठते उठते। और इधर अभी सामान आ चुका है नूडल्स बनने का हमारा चाउमीन। यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं नूडल्स बनाना गाइस, और ये हमारा नूडल्स आ गया है। तो पहले हम इसको बॉयल करेंगे और फिर इसको ठंडा करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं पानी गर्म। गाइस इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, उसके बाद 1 चम्मच नमक। पानी गर्म हो जाए उसके बाद हम ये नूडल्स डाल देंगे। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा ये अंदर चला जाएगा खुद ब खुद। और इधर बगर में हमारी सब्जियां कट रही हैं ये। तो नूडल्स को ठंडे पानी से हम धो लेंगे और अलग अलग कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो डब्ल्यू कुछ लोगों की डिमांड आई कि पिज्जा बनाइए, आइसक्रीम बनाइए, डोसा बनाइए। तो गाइस इसके बाद कोशिश करेंगे कि पिज्जा भी हम बनाएं और पिज्जा बना करके दिखाएंगे, फिर पिज्जा का आनंद लिया जाएगा। तो भाई एक बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं नवीन गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि हमारा नाम एक बार प्लीज ले लीजिए। तो कैसे हैं नवीन जी? और यहाँ पे अपनी सब्जियां कट रही हैं धीरे धीरे, प्याज और बाकी चीज मैंने आपको दिखाई दिया है। तो गाइस सबसे पहले हम ये बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, इसको चढ़ा लेंगे यहाँ पर और फिर इसमें बनेंगे हमारी नूडल्स। तो गाइस डब्लू परेशान थे कि इस बार क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है इस बार तुम ही बनाओ, हम पीछे हट जाते हैं। गाइस 3 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड डल चुका है। सबसे पहले लहसुन डालेंगे, मिर्चा डाल देंगे, इसको जलाएंगे नहीं, इसको तुरंत डाल देंगे। इसके अंदर प्याज। तो गाइस इसके बाद जो सब्जियां थी हमारी कटी हुई वो सारी डाल देंगे धीरे धीरे। इसमें डल जाएगी पत्ता गोभी, गाजर, वाव। और इसमें ऐड कर लिया गया है 1/2 चम्मच नमक। 1/2 चम्मच ओके। तो अब टाइम आ गया है इसमें नूडल ऐड करने का, ये लीजिए। ओ सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। चाउमीन जो बनी है दोस्तों अभी थोड़ी सी कच्ची है, हमको लग रहा है कि एक ही कढ़ाई में हमने पूरा डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके हम अलग अलग कढ़ाई में इसको बना रहे हैं फिर से। ये और ये अपना नूडल्स आ गया तैयार। ये नहीं मैंने नूडल्स आगे से नहीं बनाएंगे। हाँ तो बहुत ज्यादा मजा नहीं आया दोस्तों चाउमीन खा करके। तो जो नूडल्स था बहुत ज्यादा पका नहीं, और जो हमने कढ़ाई में नूडल्स डाला वो भी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो चलिए आगे ऐसे ध्यान रखेंगे, और आप लोग भी बना रहे हैं तो जितना हमने नूडल्स लिया उसका आधा ही लीजिएगा। तो डब्ल्यू यहाँ पे कुछ कहना चाह रही है, एंडिंग यही करेंगे, लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप लोग पुरानी वीडियोस भी देखा करिए, पुरानी वीडियोस भी अच्छी बनी हुई हैं हमारे जो लॉकडाउन में हमने बनाया है वीडियोस। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।